न डगमगाए कभी हम वफा के रस्ते में, चिराग हमने जलाए हवा के रस्ते में। शहर के लखा इंसान अपना अन्नदाता कहन, जिदा नाम सुन के लखा दे सिर चुक जान, ओनू तेरा अखबार काले चोरां दा पीर ते रस्ता गीर करे, ऐस जुर्म दी सजा जानना है। ए मजमून मैं लिखिया है ते मैं ए भी जानना वा, अज दा अन्नदाता 5 साल पहले तक जेब तराश सी, 5 साल दे अरसे विच 5 अरब रुपए दी प्रॉपर्टी दा मालिक बन जाना, नमोशा है, फरका है, सिर्फ चोर बाजारी है। ओनू चोर कह रहे है, जिस शहर दे शहरी अपने हथी शहर दी कुंजी दिंदे ने, जेड़ा मेयर मुंतखब होके अज हलफ चुक रहा है। आज तुसी माजज लोका ने जेड़ी मैनू इज्जत बख्शी है, उदे लई मैं तुहाडा बड़ा मशकूर हाँ। मैं अपने खुदा नू हाजिर नाजिर जान के वादा करना के ऐस शहर इच अमन सुख ते सकून आम कर देंगा। आज तो बाद किसे जालिम दी तलवार मियां तू बार नहीं आवेगी। अच्छा ते वे ओ तलवार जेड़ी इस शहर दे हर सच्चे इंसान दे सिर दे उते कदों दी लटक रही है, पर अज मैं अपना सिर देन दी पहल करके हर सच्चे इंसान नू सच बोलन दा राह विखा देंगा। ए सुनिए, सच दियां चिन्हियां वी किस्मां ने, कोई दा गला सरमाया टूट जांदा है ते कुछ सूई चढ़ जांदियां ने। ते जिहड़ा सिर चढ़ के बोले ओनू ऐसे तरह चुप ला देने आ। Thank you.
मैनू क्राइम रिपोर्टर दे कतल दा बड़ा अफसोस है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सुनिया वो तेरा बड़ा जिगरी यार सी। तेरी दीदा दलेरी दी दात देनू जी चांदा है काली सेठ, पर तू नहीं जानता कि मेरे मुल्क का कानून सिर्फ गरीबा लिए ओना गरीबा लिए जिन्होंने कभी कानून नहीं तोड़िया। कुर्सी ते बैठे हुए बाइख्तियार इंसान दा एक कानून गुलाम है ते काली ऐ शहर दी सब तू उच्ची कुर्सी ते बैठा है। ऐ सौरत तू पछाणना है अपने मथे दा पसीना पूंछ के गौर नाल सुन काली। ओ औरत है जिदे खामन नु तू कत्ल कीता ते पागल हो गई ते तू एदे पागलपन दा फायदा चुके न अपनी भाभी जाहिर कीता ते करोड़ा दी जायदाद दा वारिस बन गया। लेकिन ऐ हुण होश च आ गई है ते तैनू होश उदों आएगी जदों अदालत दे कटहरे च खलो के अपने खामन दे कत्ल दा सबूत पेश करेगी। ऐस शहर दी सब तो उच्ची कुर्सी ते बैठे हुए बाइख्तियार इंसान हुण जे नस सकना है ते नस के वखा, जे बच सकना है ते बच के वखा। मैं ना दोनों कत्लां दे जुर्म च तेरे खिलाफ वारंट गिरफ्तारी लेके आ रहा आशिक शाह। पर चाहे सोच के कटे डिप्टी इस मुल्क च दो ही चीजा सब तो वध विकदिया ने, एक जमीर ते दूजा कानून। मैं सिर्फ इना जानना वा काली सेठ के अज दा उच्चा इंसान कल मेरे कदम च होवेगा। कमाल यादाश्त है तेरी, 5 साल पागल रहने के बावजूद 5 सेकंड पहचान लिए अपने सुहाग दा कातिल 20 साल बाद भी सामने आंदा ते जरूर पहचान लेंदी बेगैरता। जिस दीदा दलेरी नाल कत्ल करके तू कानून दी अन्नी अखी च मिर्चा पाईया ने ओदी मिसाल किधरे नहीं मिल सकती। पर चढ़ा हशर तेरा हुण होवेगा। ओनू वेख के तेरिया 7 पुश्तां विच भी कोई कातल नहीं जमेगा। वाह पूरा होवे ना होवे ख्वाब तू कमाल वेखिया है। ख्वाब ते ओ सी काली, एक जेब तराश ने महफिल च मेरे खामन दी जेब कटी, ओदे 2 थप्पड़ खाते ते ओदे बदले एक काली रात च मेरे सुहाग नु कत्ल करके आप करोड़पति बन गया। इस मुल्क दे 90% करोड़पति एहो जी काली रात या काले कारोबार दी पैदावार दे बीबी हाई जेंट्री तक पहुंचन ले एहो जी हाई जंप लाना जरूरी होता है। सोच जदों एनी उच्ची थां तो डिगेगा ते केड़ी केड़ी हड्डी नहीं टूटेगी। जदों जायदाद अपने जायज वारसां दे हाथ आई ते एस जेब तराश दा की बनेगा। और पहले सोच वारसा दा की बनेगा। सोचती तो होवेगी कि इन्हां नूं कानून दे पैरियां च किने चुकिया पैसे ने पैसे ने तोबा इन्हां नूं ज़िबा करती हो। नहीं काली नहीं, मैं तेरे पैरी पैनिया ऐ जुल्म ना करी। मैं कसम खा के वादा कर रही हूं मैं अपनी जुबान बंद रखांगी। मैनू जायदाद नहीं सिर्फ अपनी बच्चियां चाहिदियां ने। मैनू मेरिया बच्चियां दे दे काली, होर कुछ नहीं चाहिदा, कुछ नहीं चाहिदा। बड़ी मशहूर कहावत है कि चोर चोरी तू जानदा है पर हेरा फेरी तू बाज नहीं आंदा। मैं तेनू सिर्फ 1 बच्ची देंगा ते दूसरी बच्ची
तेरी मौत तक मेरे कोल रहेगी। वो इसलिए कि मैं बार बार कार दे बेदी नू लंका डाल दी इजाजत नहीं दे सकता। मेरे बच्चे सोचना मां, दिप्ती आशिक शादा की बनेगा। जो तक मेरे जिया एक भी बदजाना दफ्तर इस मुल्क च मौजूद है, कानून काली दा गुलाम रहेगा। आई नो मिस्टर दिप्ती, आई नो इट्स फॉर यू। ए तुम्हारे हिस्से दा चेक है। तुसी आज तक जिस सीट ते काबज हो ओदे पिछे तुम्हारी साजिश नालों ज्यादा शराफत अली वकील दी सोच दा दखल है। एक कातल नू कतल होने वाले का अपराध साबित करके करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस बना देना मेरा ही काम से। सानू एहसास है वकील साहब, सानू एहसास है। तेरी सोच ते साडे नोट ऐसे तरह चलते रहे ते असी इस मुल्क ते अपने सिवा किसी होर नू हुकुमरानी नहीं करन देंगे। थैंक यू। माशाला जी माशाला, की इमानदारी का मुकाबला हो रहा है। समगलिंग दा सारा सोना तानू कौडियां दे पा दिता है ते नाले अपने भरा नाल मिल के महकमा टेलीफोन दी लखां गस्तार ताड़े ली गए पीती है काली सेठ। ए मैं भी ते तेरा खास ख्याल रखना। एल तेरा हिस्सा। मैं हूं सर जिन्हें कस्टम दा करोड़ रुपए दा माल तुहाडे गोदाम च पहुंचाया, लेकिन जेड़ी बस्ती तुसा मेरे नाल आई सी ओदा कब्जा कतल होने वाले क्राइम रिपोर्टर दी रिट ने हाली तक नहीं लैन दिता सर। कोर्ट लई शराफत अली, कानून लई दिप्ती जाफर, ते बस्ती लई तुसी जाओ। इधर काली दे मेहर बन दा जश्न शुरू होवे ते बस्ती च कयामत आ जानी चाहिदी है। Thank you.
चोरां नूं चोर कहना आसान लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। आशिक शाह, जिस तरह आरफा ने जबान बदली है, प्रेस दे मुलाजमीन खामोश ने, ए किस तरह साबित होएगा कि काली कातल है? दो इंसान कत्ल होए ने फखर जमान, कुत्ते नहीं मोए कि कानून अपने करना शुरू पाके बह जाए। लेकिन आशिक शाह, कानून गवाही दा मोहताज है ते गवाह चुप ने। ऐसा मतलब है जिदे कुल कोई गवाही ना होवे ओनू इंसाफ नहीं मिल सकता। साडे मुल्क च इंसाफ एक मुर्दा कोड़ा है जिदे च जान पानी बड़ी मुश्किल है। मेरा तेनू मशवरा है, इस फाइल नू दाखल दफ्तर कर दे। ऐ नामुमकिन है, मैं मुकदमा मुल्क दी आला तरीन अदालत तक लड़ांगा। हो सकता है इस दौरान क्राइम रिपोर्टर रशीद खान का बच्चा भी मिल जाए। उस तो पहले अपने बच्चे ना गवा बैठी आशिक शाह। काली इंतहाई कमजरफ ते कीना परवर शख्स है। जे तू हर कीमत से उदे नाल टक्कर लैनी है ते फिर मुकदमा करन तो पहले अपनी बेटी दी शादी कर दे। तेरी शादी ते जो कुछ तेन देना चाहना सा वो ते नहीं दे सकिया बेटा, पर ऐ सोच के माफ कर दें कि ऐसा करना मेरी मजबूरी सी। मजबूरी तेरी नहीं, तेरी दी दी सी आशिक शाह। जे ती दा व्याह अपनी मर्जी नाल करना सी ते ओनू इश्क करन दी इजाजत क्यों दे दित्ती? शट अप! ए गैरत तो कित्थे सी जदों तेरी ती अपने आशिक दे गल च बावा पाके तस्वीरां खिंचवा रही सी। आई से गेट आउट। तू मेरे तो बेहतर जानना है आशिक शाह, ते कानून दे जिम्मेदार अफसर ते हथ चुकना जुर्म में। तू ते इस काबल भी नहीं कि तैनू इंसान मन्ना, अफसर किवें हो सकना है? निकल जा मेरे घरों। गेट आउट आउट। मेरे थाने एक लाश पई है आशिक शाह, तेरी धी दे आशिक दी लाश। इन्ने तेरी धी नू धमकी दित्ती सी कि जे तू शादी कीती ते मैं तस्वीरां तेरे खावन नू पजा देंगा।
यू डिप्टी होए ते ती कद कतल करा ही लेंदी। जाफर के जाफर ये झूठ है, मजाक है। ते मैं पागल हो जावांगा। ते कतल नहीं किया और जो जरूर कतल बन जाएगा ते पहला कतल कानून दा करांगा ते थाने दे बुए दे अग्गे करांगा। हाँ यार तुम की तू तू जीवा देती तो मैं तेरे भी अंदर कर देगा। गिरफ्तार कर लो। नहीं 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 यार नहीं हो सकता। तेरा रास्ते में जावे और भी ले चलो। घड़ी देखो साहब जी, अदालत बंद हो अद्धा घंटा हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, ये अदालत खोलो, मेरी धी थाने च है, मैं ओदी जमानत करानी है। लेकिन साहब अदालत कल 9 बजे खुलेगी। क्यों? साडे मुल्क दा इहो कानून है पुत्र, इत्थे इंसाफ मिलन दा एक वक्त मुकर्रर है। जज साहब किथे ने? ओ हाल च मीटिंग कर रहे ने। आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना है। जज साहब मैं डिप्टी आशिक शाह हूं जी। हम जानते हैं। यस सर, लेकिन आप ये नहीं जानते सर कि आज मेरी बेटी की शादी है और पुलिस उसको कत्ल के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके थाने ले गई है। प्लीज आप मेरी बेटी की जमानत मंजूर कर लीजिए सर, उसकी बारात आने वाली है सर। क्या जिसकी बारात आने वाली हो उसे कत्ल करने का हक मिल जाता है? नहीं जज साहब, लेकिन ये तो साजिश है, सरासर झूठ है। झूठ को झूठ साबित करना पड़ता है। साबित तो मैं करूंगा सर, आप जमानत तो ले। जमानत के लिए आप कल अदालत में आइए। कल सर? लेकिन कल तक तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा जनाब, बारात पहुंचने वाली है। जो कत्ल हुआ है, बारात का ख्वाब तो उसने भी देखा होगा। सर, सर आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, क्या अदालत इसी वक्त नहीं लग सकती? ये डबल रोटी की चोरी नहीं, कत्ल का केस है। लाश थाने में पड़ी है। एंड माइंड यू मिस्टर फखरुज़्ज़मान, तुम उसे मशवरा दे रहे हो जिसका ओढ़ना बिछोना कानून है। ये कानून आसमान से सूरज की शुआओं के साथ नहीं उतरा जज साहब, जिसे आप घड़ी की सुइयों का पाबंद कर रहे हैं। ये कानून इंसान ने बनाया है, इंसान के लिए बनाया है, और अगर ये इंसान के काम ना आया तो या कानून मिट जाएगा या ये काम मिट जाएगी। मिट जाएगी जज साहब, मिट जाएगी। अबू, ए बरात ते बच दे बुधिए। तू रो क्यों रहे कबीरिया? देवो दी जमानत हो गई है ना? मां, देवो दी जमानत
कल आवेगी। चंज बुआ तैयार ही है, इतने ही कार कोई नहीं। असि तो जग नू मूह हाण जो के नहीं रवांगे पुत्र वे। प्यू कितने प्यू ओते मर गया मां। अगर आपके ऑर्डर पर यह अदालत कल लग जाती योर ऑनर, तो ना इस बदनसीब की बारात वापस जाती, ना इस बेइज्जती के बायस इसका बाप मरता, और ना बदनामी के खौफ से इसकी मां पेट में 2 माह का बच्चा लेकर गायब होती। इस मजलूम की बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है योर ऑनर? कि ना तो इस अदालत में मकतूल का कोई वारस पेश हुआ, ना कोई मुद्दई है और ना कोई गवाह। यूं लगता है योर ऑनर, जैसे डिप्टी आशिक शाह से किसी ने इंतकाम लेने की खातर सड़क पर पड़ी लाश उठाकर थाने पहुंचा दी और झूठा पर्चा कटवा। दैट्स ऑल योर ऑनर। हालात और वाकयात ने यह साबित कर दिया है कि मुलजिमा ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबो बेगुनाह है, लिहाजा ये अदालत इसे कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। आ जा बाजी, घर च कुछ रिया ते नहीं, पर सिवाय उस कर दे और कोई थां भी नहीं। आ जा बाजी, आ जा। कानून जुल्म 24 घंटे ते साफ सिरा 8 घंटे हुण अदालत में लवांगा ते 24 घंटे लवांगा। गैर कानूनी कतार यहाँ किसने बनाई है? ए अवामी अदालत दे फरियादी ने सर, तेना ते सिर्फ कबीरे दा कानून चलता है। अवामी अदालत के ढोंग जिसने भी रचाया है उसे हमारी अदालत में पेश करो। हम जज शेर अफगन हैं। और जान दे साहब, गरीब अली इंसाफ दा एक ही भुआ खुल है, वो भी बनकर आ गए हैं। इन्हें पछाड़ना है ए ओ ने, बेकार बेबस बेसहारा जिन्हें बस्ती तू बेगैरत लाला देती है। अगर हमने ऐसा किया है तो वो बस्ती जरूर उस आदमी की मिल्कियत होगी, और अगर तुम्हें कोई एतराज है तो जाओ और जाकर अदालत से स्टे ले लो। कितो स्टे ले आई है साहब बहादुर? तेरी अदालत नु ते 2 बजे ताले लग जाते ने। हुण स्टे अवामी अदालत चो लवांगे ते वेखांगे उस बेगैरत ते बलडोजर बत्ती कैसे चलते ने। ना ही तो प्यू की अदालत है,
بلکہ اے عوامی عدالت ہے تے دا فیصلہ ہے کہ ہر گنڈا اس تکڑ وچ اپنا وزن کراوے تاکہ جج صاحب نو پتہ لگ سکے کہ تہاڈے جو کنا قصور کھادا ہے پہلے دس اے اس عدالت دا جج تو اے اوئے کالیو بلیو میں تے اس عدالت دی توہین ہاں پھر پہلے انہوں لے آئے جدی بوٹی بوٹی اور جیسے ہی تکڑی سٹول کے اسی نال لے جانی ہے آوارا کتے لے کچلا تے کالے چورا لے کبیرا اچھا تے کبیرا توں ہیں اسی تے سوچتے سا کہ عوامی عدالت کسے ہاتھی دے موٹے تے ہوئے گی چھے فٹ دا بندہ اسی چھے واری گور کے تکیے تے مر جاندا اے کبیرے تم مردے قبر دفن ہوندے تے ویکھے ہون گیا اے بدماشا اور اج چندا درگور ہوندیا پہلی واری ویکھے گا اے کٹ سنتے اسی آ جائیے اور جاننا میں کون ہاں میں کبیرے دی منگ ہاں اور ادھر کی ویکھ رہے ہیں چل پیر پھڑ لے نہیں تے کبیرے نے چوک دے وچ توتی لوا لینی ہوں میں کہہ جی تسی کیڑے کبیرے دے روب دے رہے ہو شہر چ کوئی لاچی تے کوئی کبیرہ ہے
अवामी अदालत का जज। मैं क्या तुसी ओदी शक्ल देखी है? शक्ल ले शक्ल ओ ते सारी सारी रात मेरे पैर फड़ के बैठा रहंदा ना ले इथे शहर च फिर आवे ते लाची दा टैगा नहीं ना मेरी जान। चल माफी मांग। अच्छा जी माफी कर दियो ते पैर भी फड़ लेने आ साडी। मैं क्या कबीरे के शिकायत ना लाना। ठीक है ठीक है। कबीरे दा नाम सुन के किवें डर के नस गया। नी ना सुनिए ऐ कबीरे नाल इश्क करना छड़ दे। ऐ ना होवे पुलिस तैनू ओदा साथी समझ के फड़ के ले जाए। मेरा दिमाग खराब ना कर मां। अगे मेरे अंडे टूट गए ने। पहले मैं पुलिस को जाके उन्हां दा हिसाब ते लै लवां। डीएसपी शेर जंग शेर खांदा ते नहीं पर जावे ते खा सकता है। बस्ती का कब्जा दुआ के तक्कड़ वाला पाई किथे गया है? सानू ओदे ठिकाने का कोई पता नहीं। तो दस कबीरा किथे वे? रब दी तो जे पता भी हुंदा ते ना दसदा। एना तैनी को सख्ती करो के जुबान खोलन ते मजबूर हो जान। Who are you? मैं पूछना कौन है तू? मैनू गोली मार। पहले ऐ दस मेरे अंडे कौन वापस करेगा? ये थाना है मुर्गी खाना नहीं। अंडरस्टैंड? मैनू दीदे पार पार के ना वेख। मैं कबीरे दी मांगा है। ते तू कबीरे दी मांगे क्यों? किस तरह फूख निकली है तेरी? जा बारों जाके पान लेके आ। पान ते की पान दान ले देंगा। एक गल दस कबीरा तेनू मिलता है? हाय जब भी पाके मिलता है। अच्छा फिर ते तू कदी कदी ओदे अड्डे ते भी जांदी होवेंगी? उत्थे ही तैयार रही हां। जाबिर। यस सर। एनू अटकड़ी लाके पुठिया टंग देओ। बिल्कुल। पर क्यों? मैनू कबीरा चाहिदा है। मैं ते ओदी बीवी बनना है। तू ओदे कोलो की लेना है? बकवास बंद कर ले जा एनू। ते जदों तक कबीरे दे अड्डे दा पता नहीं दसदी एनू पुठिया टंगी रखो। की दसा मैनू की पता किथे रहंदा है? मैं ते सिर्फ जबानी प्यार करनी आ। की मतलब? ओदे खड़ाक सुन के मैं सोदाई हो जानी। साहब जी मैं तानू उस बंदे दे घर लै चलनी आ जिहड़ा कबीरे नू बड़ी चंगी तरह जानदा है। चलो मेरे नाल। चल। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲੈ ਜੈਸਾ ਕਬੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਡੈਡੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਬੀਰੇ ਕੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ। लाची तू की हाल है तेरा? सेलिए चंगा है जी। बेटा तुम इसे जानती हो? हाँ डैडी ये हमारे कॉलेज के किचन में अंडे सप्लाई करती है और ये इतनी दिलचस्प लड़की है इसके हर खुशी में शरीक होने को दिल चाहता है और ये जो कहती है मैं मान लेती हूँ। जज साहब और तेनू समझाओ तुम
कबीरा को गिरफ्तार करना चाहते हो? उसे गिरफ्तार करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरी जिद भी है। काश मैंने उसकी शक्ल देखी होती। वो उसे जानते हो? डैडी, यह तो वही है जिस पर एक लड़की को अगवा करके कत्ल करने का इल्जाम था, मगर बाद में बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन कबीरा इसे मुजरिम समझता है और उसने इसे कत्ल करने की धमकी दी है, और यह उसके गैर कानूनी तराजू से खौफजदा होकर इंसाफ के इस तराजू के साए में हमारे लिए एक सवाल बनकर खड़ा। मैं समझ गया हूं सर, कत्ल की धमकी इसे मिली है, लेकिन कत्ल कबीरा होगा। साहब जी, मैंने सिर्फ शाम तक मोहलत दी। शाम बड़ी देर बाद होवेगी, तू मेरे नाल रवेगा। कबीरे दे हथा च लगन वाली अटकड़िया साढ़े हथा सिर्फ असले पवाइया ने, ते तुसी कबीरे दे काने हो, वरना हुण तक यह हथकड़ी उहदे हथ च आउंदी। मैनू उहदे लई इस्लामाबाद तो ना आना पैंदा। मैं इस दावे नाल इत्थे आया वां कि कबीरा एक महीने दे अंदर अंदर कानून दे शिकंजे च होवेगा। एक महीना नहीं, वो अज ही मेरे कब्जे च आ जाएगा सर। शाबाश, ए कौन है? ए ओही मासूम है सर, जिन्हों कबीरे ने कतल करन दी धमकी दिती हुई है। कबीरा कानून शिकन सही, लेकिन वो ऐवे धमकी नहीं देंदा। दस तू की कीता? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बेगुनाह सर। क्या तू बेगुनाह होंदा? ते कबीरा तेनू कदी भी कतल करन दी धमकी ना देंदा। अदालत ने ते तेनू माफ कर दिता है। मैं तेनू यकीन दुआना कि कानून तेनू कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ सच सच दस दे कि तू कीता की है। बोल। मैं उस इस लुटे कसल की दसा। तुसी की कीता है सर? कबीरे नु एहो कुछ करना चाहिदा सी शेर जंग, मैं जो कहना करके रहना। अरेस्ट हिम। आवाज ना आवे उन्हें बार बार नहीं खड़काई दा लाचिए। मैनू अंदर बुला ले, नहीं ते मैं बुआ तोड़ के आ जाने।
मैं जिस गड्डी का मुसाफर हाँ उसके रस्ते च रुकने वाला कोई टेंशन नहीं ला चाहिए। मैं जिथे चाहवां जंजीर खिंच लवां। कम से कम अपनी तो मेरी उम्र का फर्क ही तक ले ला चाहिए। औरत उम्र नहीं वेखदी कबीरिया, बल्कि ओ मजबूत बाहां वेखदी है जिन्हां दे कलावे जाके ओ हर खतरे ते खौफ तो आजाद हो जावे। ओ पला भी मार नाले औरत ते ओ मेवाए जेड़ा दुनिया दे हर दस्तरखान दी जीनत बनया है ते बनदा रहेगा। सानू एक बारी चक मार के चख दे सही। I'll get you.
उल्टा क्यों लटका देता है? मैं कोई चमकार तो ना बच्चा तो नहीं। ओए इस तरह से मेरे भी चमकाती निकलेगा। ओए मेरे फाड़ लो खुदा दे वास्ते मेरे सिद्धिया कर दियो। तैनु सिद्धा कर ले ते पुठे टंगे। अरे मेरे भी काटे बड़े बड़े तबाक रिवलो। तुसी दोपहर दी रोटी खा ली है? कौन है तू? तू मैनू नहीं जानदा है, उदे कोलो पुछ। कतल एक कतल तेरे प्यो ने किया। कातिला कंजर नहीं के बेइज्जत करे। रेस्ट हिम। ए हथकड़ी तेनू लगेगी जा तेरे प्यो नू लगेगी। सच नहीं क्या वो बंदा जिदे कतल दे जुर्म मैं 20 साल कट के अजी बरी होया मां ते सजा मैनू तेरे प्यो ने दिती सी। बुला जो उस मुनसिफ नू जिदा दावा है कि हमेशा इंसाफ करता है। रोज कानून नू जिदी अन्नी आंखें च हर वेले मिर्चा पाण वाले अज भी प्रधान ने। तू कौन है? फाइल पुरानी सही तेनू पढ़। ए फाइल तेनू दसेगी कि 20 साल पहले एक प्रेस च एक क्राइम रिपोर्टर कत्ल होया सी। तू ओदा मामा है? मैं कत्ल होने वाले रिपोर्टर का सक्का पुत्र हाँ। ए देख 20 साल पुराने अखबार ते जमया लो मेरे प्यो दाए। ये अखबार बखा के इंसाफ मंगन दा ख्याल। तेनू 20 साल बाद क्यों आया? मैं उदों भी इंतकाम सा ते अज भी इंतकाम हाँ। उदों मैं अपने प्यो दे लहू च पिजी तलवार लैके काली ते वार कीता ते फड़िया गया। पर तेरे कानून ने काली नाल मिलके इस मफरूर दा कतल मेरे सिर ते पाया ते मैनू उम्र कैद दी सजा हो गई। बार आया ते तेरी धूम सुनी। लोकी कहंदे ने कि तू कानून दी तकड़ी पूरा पूरा तोलना है। पर याद रखी जे शाम तक काली नू हथकड़ी ना लगी ते मैं कानून दे इस कुतुब मीनार नू टा के काली तक पहुंच जावांगा। उसने जो कुछ भी कहा है वो सच है। जो कत्ल उसने आज किया है उसकी सजा वो भुगत चुका है और उसे सजा के ऑर्डर भी आपके बाप ने किए थे। सर मेरे बाप ने जो भी किया होगा कानून के मुताबिक किया होगा। जावेद को तो मैं छोड़ देता हूं लेकिन काली वो बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होगा। हम गुज़िश्ता 20 सालों से उसके पीछे लगे हैं लेकिन हर बार हर CID इंस्पेक्टर ने सब अच्छा की रिपोर्ट दी है लेकिन इस बार मैं एक ऐसे नौजवान को पीछे भेजने लगा हूं जो स्कॉटलैंड यार्ड से इंटरनेशनल मुजरिमों को काबू करने के गुर सीख कर आया है। और ये वो है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, कैप्टन नासिर। हेलो मिस्टर शेरजंग। हेलो, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कोड़ा दौड़ा ना लाए। दौड़ता तो हर कोड़ा ए कबो क्या कोड़ा जीतेगा। आई लाइक इट। काली दे पीछे जाने ले हर अफसर इच ए होई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ते सिर ते कफन भी है। लेकिन काली अगर अब भी बेनकाब ना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सर। काली नु तमकी देना है। काली नु मेरे साइन इन्हें सस्ते नहीं कि तेरे कहते कर दिया। नाउ यू गेट आउट। कल में स्याही मुक गई ते साडे
ਪੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸੇਠ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵੈਲ ਡਨ ਹਨੀ, ਵੈਲ ਡਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਨ ਸਮਝ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੌਸ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹਨੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਯੈਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਾਂ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾ ਦੱਸ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਕਾਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ? ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਡਾਕੂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪੈ ਵਹਾਂ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਆਹੋ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਓਏ ਓਏ ਉਸਤਾਦ, ਓ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਮੀਜ਼ ਲਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਟ ਵੀ ਲਾ। ਹੈ? ਪੈਂਟ ਲਾ। ਓਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ? ਬਹੁਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਐਠੂਸ ਕਰ ਸੀ। ਓਏ ਚੁੱਟੂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਇੰਤਹਾਈ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਦਰਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜੀਪ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜੀ? ਛੋਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਭ ਪੱਛੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਬੇ ਤੇ ਖਾਓ। ਆਓ ਆਓ ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਬਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਮੀਆਂ, ਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਆ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੀ ਤੇ ਜਾਨ ਬਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਬਿਜਲੀ। ਏਸੀ ਆ ਡੀਸੀ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤਪਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜੋ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇਜ਼ਾ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਰਚੀਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ 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 ਹਰ ਹਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਮਕੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹਰੀ ਮੇਰੀ।
लेके क्राइम रिपोर्टर दे कत्ल तक तोड़े हर जुर्म दा सबूत है। अनु ए भी पता है कि तुसी आशिक शादा कर डिप्टी जाफर नाल मिलके क्यों बर्बाद कीता सी, लेकिन लेकिन की ओ कहंदा है मैं सारे सबूत जाया कर देंगा, पर शर्त ए वे कि मैनू अपने काले कारोबार च शरीक कर लवो। अच्छा, कुत्ते नू हड्डी हजम नहीं हो सकी। ओ सालिम बकरा मंगदा है सर। वकील साहब, तुहाडा की ख्याल है? बेहतर यह हुई है कि उन्हें काना कर लिता जाए, उन्हें नाल मिला लिता जाए तो नुकसान काट से फायदा ज्यादा है। ठीक है, उन्हें कह दे कि ऐसी हर नवे कम का आगाज नवे साल तू करने आ, उदों तक इंतजार कर लवे। लेकिन सर, खबरें मेरा दिल क्यों कहता है कि साडा बेड़ा डुबण वाला है, ते असी इस तरह डुबना है जिवें गंदे छप्पर च कुत्ते डुबदे ने। ओए कमलिया,
ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੀਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਤੱਕੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਬੀਰੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟੋਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਂ ਕਬੀਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਅਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਬੀਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੀ ਸਮਝ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂ ਕਬੀਰਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਬੀਰਿਆ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦਫਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦੀਮਕ ਖਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਚੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਓ ਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਚੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਜਾਣੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਾਣੂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਚਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਕਾ ਕੇ ਡਸ ਗਈ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਕਬੀਰਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ
सब कुछ किने किता, क्यों किता, एदा अज तक पता नहीं लग्या। इस तरह कानून दा टंगिया कबीरा, अपना कानून बना के किधर गया? माँ, माँ, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, हाँ। की गल है? आज मेरा पुत्र बड़ा ही खुश है। गली ऐसी है माँ, गली ऐसी है। अच्छा होया की है, कुछ मैनू भी तो दस। तेनू मुबारक होवे माँ, रब ने तेरा पुत्र मिला दिता है। पुत्र? हाँ माँ, लड्डू बन। आज मैं अपने सके प्राणू मिलके आ रहा वहाँ। तू किधर है? अन्नी मां नूं धोखा तो नहीं दे रहा पुत्र? तेरी सौमा, अज ते मैं अपना घर भी वेख के आ रहा वा, जिहदा पता तू अज तक मैनू नहीं सी दस्या। पहली बारी अपने प्यो की शकल भी वेखी है, ते भैण दा दाज भी तक के आए वा मां। पर हुण तक मेरे वड्डे पुत्र की आवाज क्यों नहीं आई? ते बोली मेरी सब कुछ एक कोई साज ना पूछ मां, पागल हो जाएंगे। मैं पहले उन्हें लोगों का रास्ता डकावा मां, जिन्हें मुड़ के सानू चला करना है। इस तरह की ऐनी उच्ची आवाज एक बारी 20 साल पहले आशिक शादी भी सुनी सी, ते आज ओदे पुत्र दी सुन रहे हैं। मैं कबीरे दी कहानी सुन के समझिया सा कि मेरा दुश्मन सिर्फ डिप्टी जाफर है, पर एदा पता करन जदों मैं थाने गया ते डिप्टी शेर जंग ने मैनू एक फाइल दिती। इस फाइल च 20 साल पुराना एक क्राइम रिपोर्टर दे लहू च भिजया होया अखबार है काली सेठ। ऐ अखबार क्यों बंद होया? क्राइम रिपोर्टर क्यों कत्ल होया? आशिक शाह दे घर क्यामत किवें टुटी? ऐ मेरे तो बेहतर तू जानना काली सच। आज तेरे लिए एक नहीं दो बुरियां खबरां ने काली सच। पहली यह कि कल 20 साल पुराना अखबार मुड़ के शाया होण लगा है, ते दूजी ऐ के अवामी अदालत का जज कबीरा मेरा सका वीर ते तेरे हथों मरन वाले डिप्टी आशिक शाह दा सका पुत्र है। 20 साल पहले जेड़े वारंट लेके मेरा प्यू आया सी, समझ ले आज उन्हां दे तहत तेरी गिरफ्तारी है। पहले जाके मेरे प्यू दी कबर ते फुल चढ़ा, ते ओदे बाद अपने आप नूं कानून दे हवाले कर दे, नहीं ते कल तू अवाम दे सामने ते अवामी अदालत दा जज कबीरा तेरे सिर ते होवेगा काली सेज सिर ते। हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। मैनू यह सुन के हैरत हुई है कि तुसी मेरा मजमून छापन तो इनकार कर दिता है। क्या वड्डे लोगों ते इस मुल्क का कानून लागू नहीं होंदा? क्या है पैगंबर ने जिन्हां दी शान इच गुस्ताखी नहीं की जा सकती? क्या साडे मुल्क का प्रेस आजाद नहीं?
मैं जो कुछ भी लिखा है उसका सबूत है मेरे को। सर, अगर ये मजमून 14 अगस्त एडिशन में छप जाए तो कौम लई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सर, तुसी बोल दे क्यों नहीं, कुछ तो जवाब दो। सर, तुसी बोल दे क्यों नहीं, कुछ तो जवाब दो। शरीफ आदमी नू मजमून छापन तो इनकार करन दी इन्नी वड़ी सजा। शट अप रस्तम। सब नु नया साल मुबारक होवे। आई एम हैप्पी, रियली आई एम वेरी हैप्पी। यस चीयर। आज मैं बहुत खुश हां कि कानून दा एक और मुआफिज काले चोरा दी पार्टी शामिल हो गया है। सानू ये नवा चोर पसंद आया, लेकिन मेरे पी क्यों नहीं रहा। आज मेरे लिए ऐसे गल दा नशा काफी है कि मैं तुहाडा पार्टनर बन गया हूं। लेकिन पार्टनर बनन दी पहली शर्त है ने कि तैनू एक कतल करना पड़ेगा। एक की मैं चार कतल करांगा, चार। पर ए ते दस काली, ए हो जे चोरां कोल किराए दे कातिल भी होंदे ने, ओ किथे ने? स्पेशल इंस्पेक्टर है ना, बड़ा तेज दिमाग है तेरा रिश्वत खोर। यार जे पार्टनर बनाई लिया ही ना ते फिर टेडों भी साफ हो जा, बिल्कुल नंगा हो जा काले, बिल्कुल नंगा। नंगा हो गया, नंगा हो गया। टाइगर किसे ना किसे नू कतल करदा ही रहना मां। ख्वाब ते मैं भी कई सालां तो कत्ल करन दी वेख रहा वा। तेरे हाथ से कत्ल दी लकीर है? चार लकीरां ने पार्टनर, चार। ते चार ही कत्ल करांगा। सेठ साहब जी, मैं हुक्म मेरे यार। पहले मैनु ये दसो, यू टेल मी, के इन सारिया ने दोपहर दी रोटी खा ली? दोपहर दी रोटी? हां। ओए, लगदे आज तुसी हासा गोल खादा है। नहीं, ए दोपहर दे नहीं, पीर दा वेला है। यस फैक्ट्री। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, चाह हांडी नु कह दे कि आज नवा साल है, आज कुछ भी आए आखना ते कुछ आगे आना।
एक लाख रुपए की चाल मेरी डबल आ गई। की हो रहा है? जुआ जुआ जड़ा किसे दा ना हुआ। लाओ फिर एक 2000 रुपए की मेरी भी आ गई। ओए खिदुआ इथे लख लख दा जुआ हो रहा, तू 2000 ला रहे? लख लख दा जुआ हो रहा है, ला फिर फटाफट 98000 रुपए उधार दे दे। सॉरी। अच्छा लाओ फिर लख रुपए की थान ते मैं 2 लाख रुपए की ए अनमोल पग दांत ला के जुए की लाज रख ली है। पई जी इधर हसन वाली कड़ी गल है? कन्ना ला आलू जू सामने आ गया। पग तू याद आया काली के तू जुए दे शौक मेरी गल ते तवज्जा नहीं दे रहा। एक कबीरे की मां कबीरे नू मिल गई ते मेरी टोपी ले जानी। काली आज तक कोई बाजी हारे या नहीं डिप्टी सेक्रेटरी? जी सर। टाइगर्स किथे ने? सर उन्ना चो 2 तक हारपुर दे मिशन ते गए ने। अच्छा तारे ते चंगे जे नु कहो के कबीरे ते क्राइम रिपोर्टर दी मां ए बाजी खत्म होण तो पहले पहले कत्ल हो जानी चाहिए। देओ अलकरम प्लाजा दे फ्लैट नंबर 104 इस मिलेगी। तू आ गया छू? ओ कभी नहीं आएगा। कौन हो तुसे? तेरी मौत टाइगर। पार्टनर हूं मैं पियो दे कातलां दा पार्टनर। किवें हो सकना मैं तारिया? की मतलब? इस तलवार नू पहचानना? ए तलवार तुआडी है। ये तलवार साडी है ते तेरे हाथ च किने दित्ती है? बस प्रेस ने जिदा पहिया जाम होया ते मेरा प्यो कत्ल हो गया। बस वक्त ने जेड़ा 20 साल पहले तुआड़े हाथी सी ते अज मेरे हाथी चे। लेकिन तू ते हुण साडा अपना पार्टनर है। मेरा अपना एक कोई सी बेगर तो ओ तुसी नहीं रहन दिता ते तुहानू मैं नहीं रहन दियांगा। हेलो पुलिस। हाँ
तू जिंदा है? मां मैं पछाण, मां मैं कौन हाँ? पे तू जो भी है अन्नी तेन किवें वेख सकती है? नहीं मां, मां बन के वेख, अपने दिल की अखां नाल वेख मां, मैं तेरा पुत्र, मैं तेरा सका पुत्र कबीरा मां। कबीरा कबीरा मां, यकीनन ये कत्ल भी कबीरे ने किते ने। यकीनन सानू भी ओने ही कत्ल करना। शराब यू सन ऑफ इट, पता नहीं वो केड़ा मनहूस दिन सी जिस दिन मैं तेरी भैन नाल शादी कीती सी। साले ते ताडे बेशमार ने, पर चमड़ी सिर्फ तानू मैं ही होया। डिप्टी, ऐस तो पहला के कबीरा मेरे हाथों कत्ल हो जाए उन कुत्ते की मौत मार दे। लेकिन सर मैं उन्हें लबांग थे। इडियट, ओदा भरा ओदा पता दस सकता है ते ओ, तेरे कब्जे चे। हाँ मैं जानना वा, लेकिन काली ते कुत्ते नू दफना के ओदी कबर ते लिखांगा के कबीरा किथे रहंदा है। मैं चाहत ते मिट्टी दी कंध भी बोल दिए अच्छो, मेरी बोटी बोटी बोलेगी दस कबीरा किथे वे। कबीरे दे मिल जान तो बाद हुण तेरे सिर ते कोई क्यामत नहीं टूट सकदी। मां तेनू क्यों यकीन नहीं आंदा कि अच्छू आ जाएगा? ओ ऐसली पुत्र वे कि उन्हें मैनू कदी कल्या नहीं देर नहीं छड़िया। ओफो शकीला, ओ कोई बाल ते नहीं, पढ़िया लिखिया मुंडा है, जरूर किसे काम विच फस गया होना। मैं उधर दफ्तर टेलीफोन करवाया सी मां, पता लगा कि किसी दा इंटरव्यू लैण दूए शहर चला गया। मैं उधर पीछे बंदा भेजा है, वो कल तक आ जाएगा। ओ कल कदों आएगी पुत्र वे? तेनू पता भी नहीं लगना ते कल आ जानी है शकीला, क्योंकि आज राती तू मेरे घर मेरी दीदी मेहंदी लेके आना है। नहीं मैं कोई खुशी नहीं करनी, मैनू ये खुशी रास नहीं आंदी आरफा। कोई बाजे ना बजाए, कोई कार ना सजाए, मैनू ते मेरे पुत्रा नू हुण कोई ना वेखे, कोई ना वेखे। पा पा पा, जे अज भी मेहंदी ना ना आई ते मैं तेरे पुत्र नू फड़वा लेना है। चंगा मां, मैं हुणे आना। शकीला, जिस पुत्र नू लखां गरीब हाथ चुक के दुआवां देन, ओदी मां नू तत्ती वा किवें लग सकदी है। चल उठ, नवे कपड़े पा, अज असी मेहंदी बड़ी धूमधाम नाल मनानी है। Listen.
मेरी धड़कन बंद हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। कितने में कबीरा जड़ा कहता सी मेरे होंदे अच्छू नु कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता मेरे अच्छू नु कुछ हो गया जे ना को, मेरे अच्छू नु कुछ हो गया जे, मेरे अच्छू नु कुछ, मेरे अच्छू नु कुछ हो गया जे। शकीला उस कर पर नु फड़ ले ते अपनी रिपोर्ट च लिख दे के तैनू है ना मालूम लाश सिद्धा खुदकुशी का केस है। किन्ने खुदकुशी कर ली है, किदा पुत मर गया है? चंगा होया तू आ गई है, अंगूठा ला के अपने पुत्र लाश वसूल कर ले, आने खुदकुशी कर ली है। नहीं, नहीं, नहीं। वे लोगो अपने अपने पुत्र लेके ये तो ना जाओ बे, ना जाओ। ये साड़ा नहीं, ये साड़ा नहीं, ये जाफर दा पाकिस्तान जे, जाफर दा। कबीरिया बे कानून ने दूजी बार अज मेरे घर के आपत लैन दी। डिप्टी जाफर एक बारी फिर जित गया, इन्हें मेरे पुत्र नु मार छड़ाई, मेरे अच्छू नु मार छड़ाई। कबीरिया मार छड़ाई। जाफर की जेब विच तैनू गिरफ्तार करने दे आर्डर ने कबीरिया, तेरे भरा दा कफन तैनू पाना पै जाए। रसिम खबरदार, ये एक जज का घर है। इस तरह कानून ने मेरा भरा कत्ल कर दिया है। जुर्म की तारीख में ना इससे ज्यादा कोई खौफनाक वारदात हुई है और ना ही इस कदर खतरनाक कोई मुजरिम पैदा हुआ है। मुजरिम कबीरा ने न सिर्फ ये कि ऐन थाने के सामने पुलिस मुकाबले में 9 जिम्मेदार पुलिस मुलाजमीन को कत्ल किया, बल्कि
एक इंतहाई फर्शनास ऑफिसर का पीछा करते हुए हमारे घर तक पहुंचा। मजाक उड़ाया कानून का, तोहीन की हमारी, और हमारी आंखों के सामने हमारी मौजूदगी में उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन हालात वाकयात के बाद अदालत कानून की बालादस्ती और वकार को सामने रखते हुए यह फैसला करती है कि मुजरिम कबीरा को इस मुल्क का कोई भी ऑफिसर जहां भी देखे और जिस हाल में भी देखे उसे फौरन गिरफ्तार कर ले। और हां, यह अदालत सिर्फ मुजरिम कबीरा को ही नहीं बल्कि हर उस शख्स को भी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी करती है जो मुजरिम कबीरा को पनाह देने की कोशिश करे। तुम समझना है काली के कतल दे खौफ तो असी कबीर दा पता दस देंगे। अल्लाह तेनू जन्नत नसीब करे। तेरा की जवाब है? ओए सिर्फ मैं दस काली खान वास्ते सिर अगे करा तू? मेरा नाम लाछी है। मैं तेनू यह दसना या काली के तू इस बस्ती का बच्चा बच्चा भी मार देगा तो तेनू कबीरे का पता कोई नहीं दसेगा। इको बारी बम मार के बस्ती बर्बाद कर दे ताकि सानू मरण का मजा आवे तेनू मारन का स्वाद आवे। तेरी मां का ना आरफा ते नहीं? एहो जी ती ओहो जी मां ही जम सकती है काली। तेनू उसे मां दी ती होना चाहिदा सी। हुण कबीरे नू असी नहीं लबांगे, कबीरा सानू लबेगा। मैं वेखांगा कबीरा किन्ने कोई बड़ी शह वे। टाइगर्स! यस सर। ए तुम्हारी वफादारी का इनाम। आज तक तुसी इंसान का सिर्फ खून पींदे रहे पर आज इस खूबसूरत फुल का रस पियो। पार्टनर तू कबर पहुंचोगे ते तोड़े साथी तुहानू दसणगे
कि मैं चार कुत्ते क्यों कत्ल किए ने। तक सांस दे पाटे बशीरे, तू दोपहर दी रोटी खा ली है? नहीं। तक तो फ्रांस दे हर कुली हुन की जाने। अच्छा। तो अंदर टेट पार गए ने, उन मैं दोपहर दी रोटी किन्हू खावांगा। शकल हू बहु तेरे वर्गी लाची बनके तू सीधी उस बस्ती वाल जा। उस बस्ती दा बच्चा बच्चा तेनू आप दसेगा के कबीरा किथे वे। फेर तू ओनू अपने प्यार दे जाल च एहो जिया फसा के ओ तेरे पिछे पिछे चलदा चलदा उस जंगल तक आ जाए जिथे साढ़े निशानाबाज पहले तू मौजूद होंगे। उस तो बाद कुछ तीर ओदी जिंदगी का फैसला कर देंगे। आखिरी मैदान ते जानती तैयारी कर रहे पर सफर ते जान वाले कदी कदी वापस नहीं भी आंदे कबीरिया। तो चाहने की है सिर्फ तेरी जिंदगी दी अपने लिए एक रात मंगनी है कबीरिया। सूरज को साया दी सब को दोस्ती की आस किसे पागल नहीं हो सकती है। हाँ मैं पागल हाँ पर तेनू भी पागल करके छड़ांगी। मेरे आ आ आ सजन मेरे आ आ आ
कबूतरी ने पैर कट के तू रख ला मैं दिलदारा प्यार न चोगा पावे सजना होंदा नहीं हो गुजारा दिल मेरा करदा गुटकू गुटकू कुछ नहीं सजना कर हुण कुछ तू दिल मेरा करदा गुटकू गुटकू कुछ नहीं सजना कर हुण कुछ तू मेरे ना नीला सजन मेरे सजन मेरे छाले छे गोलियां बाकी ने नहीं अपने पड़वैये नू कतल करने लगी से कपत्ती है मैनू पहचान मैं तेरी सखी पैणा तेनू काली 20 साल पहले चुके लै गया सी जिस मैली चौधरी नौकर बन के रह रही है और साढ़े प्यो की मिलकियत है जे यकीन नहीं बेहतर से तो कौन है मैं कौन है तेनू लाची दसेगी कौन है लाची है जे ऐ ना हुंदा ते अज तेरी लाची काली दे कब्जे जुंदी काली नू आज तक
काली रात कबरे चाहेगी। तूफान नू आया, असी जानने आ क्यों आया, इसराइल बढ़िया समझ लिया क्यों बढ़िया, पर इस गल दी हले तक समझ नहीं आई कि मेरे तेखाने दे दो शेर कतल करके लाची नू कौन ले गया। ए, तू जानना है शैतानी सोच सिर्फ तेरे को लेने काली, कबीरा कबीरा कत्ल हो चुका है। तनु किसी ने गलत दसया सर, कबीरे ने कमाल चलाकी नाल साडे सारे निशानेबाज कत्ल कर दिते ने, ते जदों मैं उन्हें गोली मारन लगी ते लाची ना दी मेरी हमशक्ल कुड़ी ने उन्हें ऐन वक्त बचा लिता। ना ऐ समझ आई है कि वो कुड़ी कौन सी, ते ना ही ऐ समझ आई है कि उन्होंने मैनू जिंदा क्यों छड़ दिता है। मैनू सारी समझ आ गई है, उन्हें तेनू इसलिए छड़े है कि साढ़े सिर तक पहुंचने लिए कबीरे नू तेरे पैरों के निशान चाहिए सन। अच्छा, जे तू इन्ना ही समझदार है तो फिर हुण कबीरे का कतल भी तू करेगा। ए कतल तेनू इसलिए भी करना पवेगा कि काले चोरा दे हर हिस्सेदार नू हिस्सा एक कतल करने तो बाद मिलता है। पर मैं तो एक दी बजाए चार कतल कर चुका वा काली। एदा कोई सबूत, कोई गवाह? एहो जा सबूत है काली सेठ, जिनू वेख के ना तू दूजी बारी सबूत मंगेगा ते ना कोई सवाल करेगा। मेरा सक्का प्यो वे, हुण तेनू समझ आ गई होवेगी कि तेरे चार शेर किने कतल किते, क्योंकि ते लाची तेरे जाल चो बाहर किवें निकली। वेल डन पार्टनर, वेल डन। पर मैं शिकार करन तो पहला हर हर बार इस्तेमाल करना, काबू ना आए ते कतल कर देना। गार्ड्स, लेकिन तेनू कतल करन तो पहला हनी कोलो पुछना वा के कबीरा किवे बचया है ते क्यों बचया है। पहले तू दस मेरा प्यो किवे कतल होया ते क्यों होया। पेड़ दी पहचान ते मैंनु उसे था हो गई सी काली सेठ, ते मैं उसे था दिल च कसम खा ली सी के पेड़ ते मानु सीने लाड़ तो पहला तेरा सिर ला देंगी। सेठ काली दास मरन तू पहले ऐत दस के दोपहर दी रोटी तू खा ली है। शट अप, तेरे ते पूरी कड़ी आ पहुंची है काली। मेरा तन मशवरा है तू अपने आप नु कानून दे हवाले कर दे। कानून दे हाथ तेरे हर जुर्म दा सबूत आ चुका है काली। ते जाली इंस्पेक्टर है, असल इंस्पेक्टर माली दे रूप इच तेरी हर वारदात दी वीडियो बनाने च कामयाब हो गया है। ओ कौन है? ओ तेरे सामने खलोता है। ए तेरे नहीं तेरे बंदे ने काली सेठ। ए बता किस तरह हो गया है? ए कुंडा तेनू एस प्या ने पाया काली, ते फंदा तेरे गले च मैं पावांगा। एक बारी फिर सोच ले दिप्ती किनू बंद कर लिया ते किथे बंद कर चले है। एक क्राइम रिपोर्टर दा मजमून नहीं जड़ा पार सके, डिप्टी आशिक शाह दा मुकदमा नहीं जड़ा खारिज हो जाए। ए शेर जंग दी लाई हुई अधकड़ी फांसी दे फटे तक तेरे हत्थे च रहेगी काली। काली कल बोलेगा, काली कल बोलेगा डिप्टी। ए जदो भी फोन मंगे जिदा भी फोन नंबर मंगे इन फौरन मुहैया करो। वड़े लोगों नाल तालुका दी शायद कल बोलने वाले काली दी बोलती अज ही बंद हो जाएगी। नहीं बुलाऊंगा तेरे नाल भी, तू काली नु नहीं जानता सन ऑफ ए बिच। काली सानू ये इतला मिली है कि डिप्टी शेर जंग दी भैन दी कल शादी है।
जदों भी कानून ने काली नू केरा पाया है, कानून दे कार शादी जरूर होई है, जरूर होई है। सब तैयारी मुकम्मल है ना बेटा? जी डैडी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब तैयारी मुकम्मल है। गुड, बस बारात भी पहुंचने वाली हो? जी हाँ। बहन की शादी मुबारक हो डिप्टी। ए मौका हैरान होने का नहीं, खुश होने का है शेर जंग। मैं थाने चो कला मफरूर होके नहीं, बल्कि अपने साथियों की जमानत करवा के बाहर आया वहां। हूं अपनी अपनी ड्यूटी ते लग गए ने। खुशी दे इस मौके ते तेन बुरी खबर सुनाने जी ते नहीं करता, पर अज तो बाद जब तू अपनी ड्यूटी ते वापस जाएगा ते तेन पता लग जाऊगा कि अफसरा ने बाला ने तेन मुलाजमत तो डिसमिस कर दिता है। यस! तेन क्या सी ना कि काली कल बोलेगा? काली हले होर बोलेगा। इंस्पेक्टर सॉरी मिस्टर शेर जंग, मैं तेरी भैन दे वारंट गिरफ्तारी लेके आया है। मैं तो खुद हैरान हाँ शेर जंग कि ना ही तू जिंदगी कदी हराम खादा है ते ना ही तेरे बाप ने रिश्वत लई है। अन्ने साफ सुथरे खून दे खानदान दी बेटी किने किसे नाल रंगरलियां मना सकती है। शट अप! जज शेरफ कंटा पुत्तर मेरे तो बेहतर जानता है ये कानून दे जिम्मेदार अफसर ते हथ चुकना किन्ना वड्डा जुर्म है। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी जिद नाल इश्क करती सी ओदे नाल नंगियां तस्वीर खिंचवा बैठी, ओने ब्लैकमेल करन दी धमकी दिती, तेने उनू कतल करवा दिता। काली दे कुत्ते, आज मैं कानून समेत काली नू भी दफन कर देंगा। काली नहीं नहीं बेटा नहीं, कानून हमारे साथ और हम कानून के साथ पैदा हुए हैं। हम सर से पांव तक कानून ही कानून है, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कोई गैर कानूनी हरकत। गिरफ्तार कर लो। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, हम कानून को जानते और कानून हमें जानता है। हम अभी अपनी बेटी को जमानत पर बाहर ले आएंगे। हाँ अभी और इसी वक्त। हाँ बेटी हाँ। किसने लगाया है ये ताला? ये अदालत किसने बंद की है? किसने बंद की है ये अदालत? सर तुसी ते जानते हो अदालत हर रोज 2 बजे बंद हो जाती है, ते इस वेले ते 2:30 बज चुके ने। लेकिन आज सारी अदालतें खुलेंगी, तोड़ दो ताले। पुलिस हमारी बेटी को पकड़ कर ले गई है, पकड़ कर ले गई है हमारी बेटी को। लेकिन सर जज साहबान ते सारे जा चुके ने। तो फिर क्या हुआ? हम जो मौजूद हैं जानते नहीं? हम जज शेर अफगन हैं। खोलो ताला, खोलो ताला, रखो ताला। मुल्ज़िमान निदाफगन को फौरन पेश किया जाए, जल्दी करो। उस पर कत्ल का झूठा इल्जाम है, जल्दी करो। उसकी उसकी बारात उसका इंतजार कर रही है, हरी आप, हरी आप। याद कर ऐसे तरह मेरा प्यो विकुर लाया सी,
ऐसे तरह बारात पहुंचने वाली सी ते दी ओदी थाने च बैठी सी ओदे दे वी इल्जाम झूठा सी जल्दी आनू वी सी ते जल्दी जल्दी आज तेनु भी है कानून आसमान से सूरज की शुआओं के साथ नहीं उतरा जज साहब जिसे आप घड़ी की सुइयों का पाबंद कर रहे हैं ये कानून इंसान ने बनाया है इंसान के लिए बनाया है और अगर ये इंसान के काम ना आया तो या कानून मिट जाएगा या ये काम मिट जाएगी जज साहब मिट जाएगी चाकर रोटी खुआ शेर अफगान तेरी थी आ लगी है निकल के किसी वेले भी तेरे गल च पै सकता दावे इन्हों के नहीं बड़े तुए दार सन यू मंगता ते सुहाग ले लाइए ते मेरा सिर मंगती सी मेरा सिर ते पैना दिए जोड़ी दो बदमाश लेके आईए एक मौत दे मूर्चे ते दूजे नू मौत लब रही है बोल बोल तेरा यार कबीरा किथे वे आज पता लगा कि कुत्ता पागल हो जाए ते शेर दा पता पूछता है सवाल सिद्धा सी जो पुट्ठा क्यों है कुत्ते कुत्ते पागल हो जान ते चीर फाड़ कर देंदे ने गैरत खाएंगी ते गुद वड़ देंगा मैं कहनी हूं नहीं मारदा दूर हो जा एथे ते मन जज कोलो ती मंगदा मंगदा मर गया अल्लाह उनू जन्नत नसीब करे ते ते इंसाफ मंगदी मंगदी मर गई अल्लाह उनू भी जन्नत नसीब करे पर एक पर कानून ने मार दिता ते दूजे नू काली ने मार देना है पर इस चीज नू वेखो हले तक जीवदा है हमरे मेरा दिल क्यों कह रहा काली के अज दा ए मैदान तेरे लिए हशर दा मैदान बनन वाला है पहले मैदान ते नजर मार वे तेरे पैरा दी रस्सी दा आखरी सिरा किना दे हाथ मेरे एक इशारे नाल कोड़े दौड़ पैन गए टगरग 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 फिर की होवेगा Thank you.
बाकियां दी जिंदगी जाना है। बंदूक अपने पैर ते सिर मेरे पैर सुट दे। कम ऑन। नहीं शेरजान, सिर सुटिया सीने ते बैठे सब कदी मित्र नहीं उबलते। एनु गोली मार दे। नहीं जावेद, आज वेख के रवांगा कि रब ने जालिम दी रस्सी किन्नी दूर तक लम्मी कर दिती है। उस मुल्क च जालिम दी रस्सी दा आखरी सिरा नहीं मिल सकता शेर जंग। जिस मुल्क च मुनसिब 8 घंटे इंसाफ दी कुर्सी ते बह के छुट्टी कर जान, ओथे कानून दा नहीं काले चोरा दा राज हो जाता है। काले चोरा दा अज भी इंसाफ करने वाले छुट्टी देने पर जालिम अपनी ड्यूटी देने। ऐसे लई तू काली कोल ते तेरी भैन कानून कोल। हाली ते तू सिर्फ कयामत दा नक्शा ही वेखी है। कयामत बर्पा किवें करांगा ए वेखेगा ते ए मल के रवेगा के काली कानून तू बाला तर सी बाला तर है ते बाला तर रवेगा। मजलूम दविष्कार कानून दी काली रात ने कंड की थी ते हर पासे काली काली हो गया। अज कबीरे नु असे काली रात दी समय समझ के आप सुनी चल जाए। जे तेनु मैं सुनी चलिया ते कयामत तक सुनी टंगिया रहेगा। तू पागल हो गया है पागल। पहले सुनी थे एक दंगे हुए थे बचा के वहां कबीरे।
ਡਿਪਟੀ आपने क्या किया डैडी? मेरे बाद एक काम जरूर करना बेटे, हर अदालत के बाहर ये लिखवा देना कि इंसाफ के लिए इस मुल्क की सारी अदालतें हर वक्त खुली रहनी चाहिए, 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। मुल्क होने ना लावारिस नहीं के लुट के खान वाले चोर जदो चाण ना चाण नहीं। एक कानून दी अदालत नहीं काले, कबीरे दी अदालत है, इतने फैसला फौरी होंगे ते मौके ते होंगे। सानू माफ कर दियो, दामन किदा किदा लाऊए ताड़ी जेब विच किस किस गरीब दा हक है, आज ताड़े जे हराम खोरे दा दी हशर होगा, एक कानून भी देखेगा ते काम भी।